हुआ है नगर निगम में तैनात 3 कर्मियों को इस मामले में निलंबित कर दिया है। तो ट्रक के ऊपर से कुंड में फेंक रहे थे भगवान श्री गणेश की प्रतिमा, ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 3 निगम कर्मियों को निलंबित इस दौरान कर दिया गया है। नगर निगम में तैनात 3 कर्मचारियों को निलंबित मामले में कर दिया गया है। गणेश प्रतिमा को फेंकते वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद एक्शन लेते हुए नगर निगम में तैनात 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। ट्रक के ऊपर से कुंड में भगवान गणेश की प्रतिमा फेंकते हुए ये वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर एक्शन लेते हुए 3 कर्मचारियों को निलंबित नगर निगम ने कर दिया है। रायपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ट्रक के ऊपर से कुंड में भगवान की प्रतिमा कुछ लोग फेंक रहे थे, इस मामले में 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। नगर निगम ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए यहां पर 3 लोगों को निलंबित कर दिया है। तो ट्रक के ऊपर से कुंड में भगवान गणेश की प्रतिमा फेंकी गई, जिस पर एक्शन लेते हुए 3 कर्मचारियों को निलंबित नगर निगम ने कर दिया है। तो वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया, भगवान गणेश की प्रतिमा फेंकी गई, 3 कर्मचारियों को मामले में निलंबित कर दिया है। ट्रक के ऊपर से कुंड में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा फेंकी गई, उसके बाद ये एक्शन लिया गया। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्टेट हेड नितिन चौबे जी लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। नितिन जी, क्या है पूरा मामला? वीडियो सामने आने के बाद ये एक्शन लिया गया, विस्तार से समझाइए क्या है पूरा मामला। जी, निश्चित तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि कल देर शाम जब ये वीडियो वायरल हुआ, तमाम रायपुर शहर में फेसबुक में ट्विटर में व्हाट्सएप पर, खासकर कि जब गणेश प्रतिमाओं का अपमान की बात आई कि गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जो अस्थायी कुंड बनाए गए थे नगर निगम के द्वारा और नगर निगम की गाड़ियां वहां उसे लेके जा रही थी, उसके फोटो और वीडियो वायरल हुए, जिसमें ये बताया गया कि जो निगम की गाड़ियां हैं वो कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और जो वीडियो में हम जिस तरह से देख सकते हैं कि वीडियो को कर्मचारी जो विसर्जन कर रहे हैं वो बहुत ही बेढंगे ढंग से या बहुत ही गैर आपत्तिजनक स्थिति में उनका विसर्जन, मूर्तियों को एक तरह से विसर्जन कुंड में फेंका जा रहा था। इस वीडियो को वायरल होते ही न्यूज वर्ल्ड द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद विपक्ष नेता प्रतिपक्ष, खास करके मीनल चौबे हरकत में आई, उनके साथ मृत्युंजय दुबे पार्षद, इन्होंने तत्काल प्रभाव से जाके निगम दफ्तर को घेरा। उसके बाद वो अस्थायी विसर्जन कुंड में जाकर उन्होंने तत्काल इस पर आपत्ति दर्ज कराई। मामले की जानकारी लेते ही महापौर एजाज धेवर वहां पहुंचे, एजाज धेवर को तत्काल प्रभाव से पूरे विपक्ष दलों द्वारा वहां पर घेर लिया गया और इस कृत्य पे प्रश्न चिन्ह उठाए गए। एजाज धेवर महापौर ने तत्काल प्रभाव से सभी को शांत करते हुए मामले में कार्रवाई करते हुए इस काम में जो 3 कर्मचारी संलिप्त थे उनको तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। एजाज ढेबर से जब महापौर एजाज ढेबर से मीडिया ने बातचीत करी तो उन्होंने अपने वक्तव्य में निश्चित तौर पे कहा कि जहां तक की वीडियो वायरल होने की बात है कि उनको कचरा गाड़ी में ढोया जा रहा था, ऐसा नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड है, वो सारी गाड़ियां जो है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में लगी हुई थी और पिछले कई वर्षों से वो केवल मूर्ति विसर्जन का ही काम कर रही है, इसके प्रमाण महापौर के और आयुक्त के पास निश्चित तौर पे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं विपक्षी दलों से आग्रह करूंगा कि अगर राजनीति करनी है तो कहीं और भी कई प्लेटफॉर्म और कई मुद्दे हैं, लेकिन धार्मिक भावनाओं में किसी तरह से बहकर या धार्मिक भावनाओं को बेस रखकर किसी तरह की राजनीति करना उचित नहीं है, जो काम किया गया है उसकी वो घोर निंदा करते हैं। इसी के चलते उन्होंने तत्काल प्रभाव से उन 3 अधिकारियों को निष्कासित कर दिया। कुल मिलाकर हम ये बताना चाहेंगे कि मूर्ति विसर्जन का जो वीडियो वायरल हुआ था उस खबर को न्यूज वर्ल्ड ने प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद विपक्षी दल हरकत में आए और उन्होंने इस काम के लिए एक बड़ा घेराव किया विसर्जन कुंड का और नगर पालिका निगम का। उसके बाद ही महापौर ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 3 कर्मचारियों को निलंबित किया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन चौबे जी तमाम जानकारी के लिए। तो वीडियो सामने आया था।